नमस्कार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम और हमारे साथ ही दीपक यादव जी हैं जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। हर हफ्ते हम आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट रखते हैं उत्तर प्रदेश की, खासकर कि उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में कितनी घटनाएं हुई, कितनी ऐसी जघन्य अपराध हुए जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया जिक्र नहीं करता। खासकर वो उत्तर प्रदेश को तो बिल्कुल दरकिनार करके रखता है, उनका कहीं जिक्र इतना खास तरीके से होता नहीं। लेकिन हम आपके सामने पूरे हफ्ते की रिपोर्ट ला के रखते हैं, कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट हुई, कितने सारे बलात्कार हुए। ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। तो इस हफ्ते की पूरी रिपोर्ट रखेंगे, साथ ही पूरे महीने का, पिछले पूरे एक महीने का जब से हमने ये एपिसोड शुरू किया है उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे, कितनी हत्याएं हुई, कितने अपराध हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं दीपक जी, इस हफ्ते क्या रहा सबसे बड़ा अपडेट? पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था काम के नाम पर, अब जाना जाता है गोली और बोली के नाम पर। हम सबसे पहले उस मुद्दे पर आना चाहते हैं। डॉक्टर कफील खान को सभी लोग जानते हैं, वो बड़े ही नेक इंसान है। वो अभी कोई भाषण देने की वजह से वो अभी जेल में है। अच्छा। उन पे NSU लगा दिया गया है तो वो जेल में है। उनके मामा को नसरतुल्ला नाम है उनके मामा का, और उनके सगे मामा हैं। कल शनिवार रात को वो अपने परिवार के साथ घर में रहते हैं, काम धंधा करते हैं। कुछ लोग आकर और उनको रात में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अच्छा, कपिल के पिछले साल ही उसके भाई के साथ कुछ गोली वोली चली थी। हाँ, जिस वक्त योगी जी का दौरा हुआ था गोरखपुर में। हाँ जी, बिल्कुल हुआ था। अभी जो उनके परिवार के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, अभी उनके मामा की कोई ऐसी छवि नहीं थी, बहुत ही नेक इंसान थे वो, और उनको जो है रात में कुछ लोग आके गोली मारकर हत्या कर दिया उन लोगों ने। और SSP साहब का कहना है, जो कि बहुत जल्दी अपना संज्ञान ले लिए मामले पर, झूठा संज्ञान, उनका कहना है कि इनका पैसे का लेन देन था। अच्छा। और डॉक्टर साहब की कोई आर्थिक स्थिति ख़राब नहीं थी, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे और अच्छा लोगों से व्यवहार रखे, काम करके उसके बाद जो है काम धंधा अपना करते थे। उनका किसी से कोई लेन देन नहीं हो सकता, ये पुलिस गलत इल्ज़ाम लगा रही है किसी तरह से मामले को दबाने के लिए। दूसरी घटना पर आते हैं हम लोग, जिला अमरोहा में थाना है डिंडोली है, जहाँ स्कूल प्रबंधक के बेटे ने नाबालिग को बेहोश करके, एक लड़की को बेहोश करके और एक खंडर में ले जाके, स्कूल में प्रबंधक का बेटा है यानी कि प्रिंसिपल है स्कूल का, हाँ, उसको ले जाके उसमें रेप किया। बेचारी दलित समाज की बच्ची थी वो, और फिर उसके हाथ में जो ना बुलेट से काट दिया बेहोश करके। और उसके बाद वो लड़की गई पुलिस में कंप्लेन लिखाने, नाबालिग बच्ची थी, 8th class में पढ़ती थी, 9th में, वो गई रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उसका रिपोर्ट नहीं लिखा गया बल्कि पुलिस ने 62,000 रुपये देकर, और ठेकेदार और स्कूल प्रबंधक ने 62,000 रुपये देकर मामले को रफा दफा करने का जो है काम किया। हाँ, बेच दिया जो संवेदना बेच दी गई। हाँ, परिवार खामोश है, और खामोश रहने का वजह भी है क्योंकि पुलिस ही धमकी दे रही है कि अगर दबाव ने हम मामला रफा दफा नहीं करते हो तो तुम्हारे एक भाई है, दो भाई है, उन्हें भी मारा जाएगा और परिवार को भी मारा जाएगा। वो ऐसा परिवार की स्थिति नहीं है कि जो मार बर्दाश्त कर ले और केस लड़ ले। पिछली बार हमने चलाया था, BJP के एक विधायक जी हैं, उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था जो कि सही था, 4 साल से रेप कर रहे थे, उनको क्लीन चिट मिल गया। तो हमारी जुडिशरी किस तरह से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, इनको भी मिल गया है। हाँ, तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि अगर विधायक को भी मिल जाता। हाँ, सांसद जी अगर दौरा भी करते हैं, BJP के सांसद, तो वो उनका भी कहना है कि सांसद साहब हैं कल्याण सिंह जी, वो कहते हैं कि बिना रिश्वत के पुलिस उत्तर प्रदेश में काम नहीं करती। खुद BJP के मंत्री और सांसद ये बात कह रहे हैं। लखनऊ में दिन दिहाड़े चाकू मारकर डबल मर्डर की गई। एक गाड़ी से आए दो परिवार। कौन सी जगह घटना? ये लखनऊ में मेन चौक पे ही है। अच्छा। वहाँ पे मार्केटिंग करने आए थे और कुछ लोग आए, 10-12 लोग, और वहाँ पे उनको जो है पहले गाड़ी में खिड़की खटखटाया उनका, दो लोग बैठे थे, दोनों लोगों को जो है, 10-12 लोग थे। लखनऊ जो चौक है वहाँ का, पुलिस वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है, उस समय भी पुलिस अवेलेबल थी, और पुलिस के उपस्थित रहते हुए उन लोगों ने 10-12 लोगों ने हत्या कर दी चक्कू मार के, दिन दहाड़े। रात में होती तो अलग की बात होती। फुलपुर गांव में भी एक है, फुलपुर गांव का एक ढोकरी गांव पड़ता है, जमीनी कुछ लोग उसके, एक रंजू यादव जीत करके थे, बिमल चंद्र यादव, उनके परिवार को जो है कुछ लोगों ने उनका जमीन हड़प लिया था, तो उनके परिवार को काफ़ी मारा पीटा गया।
और जलाया भी गया, जिंदा जलाया गया। एक उनकी वाइफ जो है भगवान के दया से सुरक्षित है, तो अभी वो न्याय की नहीं मांग कर रही हैं। बहुत ही भारत के लिए सोचने की बात है कि वो न्याय की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि वो कह रही हैं कि हमको जो है शांति से रहने दो, और सरकार को जो मदद करना है करे, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, हमारी ज़मीन भी ले लो। ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति। एक कक्षा 6 में पढ़ रही बच्ची के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, ठीक है। और एक लड़की है कानपुर में, थाना रामपुरवा थाने में रहती है, उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, मकान मालिक नहीं, उसने विरोध किया तो पुलिस में कंप्लेन कराने भी गई। तो पुलिस का कहना है कि ज़्यादा एडवांस मत बनो, ज़्यादा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है। जब वो लड़की पहले से कह रही है कि मेरी हम सुरक्षित नहीं है और मैं ऐसा घटना हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस का कहना है कि ज़्यादा एडवांस मत बनो। पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए पुलिस वाले मैं शायद उतने नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए उनकी समझ नहीं होगी। तो उन्होंने कहा होगा, गाजियाबाद में लव मैरिज करने पर गले में कुत्ता का पट्टा बांध कर, लंबर शादी करने पर गले में कुत्ता का पट्टा बांध कर लड़की के परिवार वालों ने जो है उस लड़के को बहुत मारा, और काफ़ी लड़का सीरियस है। जो दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। एक लखनऊ में फिर दिन दहाड़े इंजीनियरिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, दो हत्या हुई लखनऊ में। और एक बीजेपी विधायक जो है उनकी तो क्लीन चिट मिल ही गई है। और मैं आपको बताता हूँ, फिरोजाबाद में पसरना गांव है एक, वहाँ पे एक युवती को अगवा कर लिया गया है। बिजनौर में एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उन पे भी रेप हुआ था उनके साथ, और उनका जो है हत्या कर दिया गया है। बहुत सारी रेप की घटनाएं हैं जो कि पढ़ेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। थोड़ा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हेडलाइंस भी हाँ बता देते हैं लोगों को। हाँ, लखनऊ में के खीरी में बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। एक कानपुर में सिपाही के बेटे ने छात्र के साथ जो है दुष्कर्म किया था। और लखनऊ के तेलीबाग महिला को चाकू से हमला किया था। इसलिए लखनऊ का बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद रहते हैं। लखनऊ में ही एक महिला के साथ दिन दहाड़े जो है अपहरण करके और उनकी हत्या कर दी गई। तो ये तो थी ये हफ्ते घटनाएं हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि पूरे महीने में कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट हुई है, कितने सारे बलात्कार हुए, उन सब पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। इस महीने में जब से हम लोग शुरू किए हैं, 14/1/2026 जो उस दिन 26 जनवरी था, हम लोग 26/1/20 से और 23/2/20 तक, ठीक है, कल तक टोटल महिला के साथ रेप हुआ है 85, और महिला रेप हत्या हुए, रेप करके हत्या कर दी गई 45, और मासूम बच्चियों के साथ जो कि 9th क्लास से लेके और 5 साल तक की, उन बच्चियों के साथ हुआ है 55 रेप, और मासूम बच्चियों के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है 32 बच्चियों के साथ, और मासूम बच्चियों के साथ नाबालिग जो हैं उनके साथ तेजाब अटैक हुआ है, एसिड अटैक 20, और नाबालिग, हाँ हाँ 20 बार नाबालिग रेप के साथ, नाबालिग के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है 32, छेड़छाड़ का जो है आरोप है 230, और जलाया गया बलात्कार करके 55, महिला अपराध टोटल हुआ 334, और छेड़छाड़ सब मिला के देंगे तो 230, अगर इन सबको इकट्ठा करें तो 574। यानी कि अगर इसमें खाली रेप की बात करूँ तो महिलाओं के साथ 85, तकरीबन एक दिन में 3 से ज़्यादा रेप। तीसरा बजट आया और इसमें हत्याएं 45 हुई हैं और मासूम के साथ रेप हुई है। तो ये हाल है जंगल राज का, देख लिया, बताया भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा वारदातें हुई हैं। तो ये हाल है यूपी के जंगल राज का। और महाराज जी कहते हैं कि अपराधी हो तो प्रदेश छोड़ो या दुनिया छोड़ो। तो ये एक रिपोर्ट है जो एक महीने की है, NCRB का डेटा भी आप लोगों के सामने जल्दी रखेंगे कि वो कितने मेंशन कर रहा है अपने यहाँ पे रिकॉर्ड में। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो आती है, तो उसका भी हम आपके सामने लेखा जोखा रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमसे छूट भी जाती हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर पाते। लेकिन ये इतना ज़्यादा वारदात हो रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है, इस पर सोचना पड़ेगा मुख्यमंत्री को यूपी के खास। तो अब जी क्या कह रहे हैं, महिलाओं के लिए तीसरा बजट आया था। अच्छा, तीसरा बजट महिलाओं के कल्याण के लिए था। ये बहुत कम है जो कि हमारे नज़र में आता है, तो हम लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इससे हज़ारों की संख्या में होगा। हत्या प्लस पुलिस फर्जी एनकाउंटर प्लस अपराधी की पुलिस फर्जी एनकाउंटर प्लस हत्या हुआ है 420। अच्छा, ठीक है। कंपनियों का घोटाला जो होता है, कुछ कंपनी जो घोटाला करती है अपने एम्प्लॉयज के साथ 10। बिजली अपराध में कम से कम 155 लोग जो है फंसे हुए हैं।
और किसान अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का भी जिक्र हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं किसान देश भर में एनआरसी से ही वो चल रहे हैं आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं, किसानों के चल रहे हैं, बेरोजगारी के आंदोलन चल रहे हैं, उसका भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि सरकार एनआरसी और सीएए के आड़ में बहुत सारे आंदोलन को छिपा रही है। जब बीजेपी सरकार आई थी तो पहला बजट जो आया था सरकार ने दावा किया था कि पहला बजट किसानों के नाम है। अच्छा, एक महीने में किसानों ने आंदोलन किया 155 जी गन्ने को लेकर के, अपनी फसल को लेकर के, और चौथा बजट जो आया था छात्रों के भविष्य के लिए, एक महीने में इसी एक महीने में नौजवानों ने किया आंदोलन 120। अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा तो हमने बता दिया, महिलाओं ने आंदोलन किया है 200 करीब। 200 यानी कि एक महीने पहले बजट आया था, एक महीने पहले आया था ना। हाँ। तो उसमें किसानों के लिए बजट था, महिलाओं के लिए था और छात्रों के लिए था, लेकिन इन सब की तादाद अगर आप देखें तो सब ने 100 से ज़्यादा बार आंदोलन किया है और सरकार ने दिखाया नहीं है। सरकार का फोकस सिर्फ एनआरसी सीएए को लेकर है कि देश में सिर्फ लोग इसी चीज़ से परेशान है। लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान है बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा नहीं मिल रही है सही से, स्वास्थ्य की हालत कितनी ख़राब है हम लोगों को पता ही है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ सी एनआरसी पर। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये सारे मुद्दे जो आम आदमी के मुद्दे उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और यूपी में इतनी ज़्यादा वारदात हो रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा इस पर। और कुछ ये महिला जो ये सारे बजट आए थे सरकार बनने के बाद, एक साल दो साल जब साल साल में जो होता है चेंजिंग, उसमें बजट आया था। और यह है कि कितनी हमारी जो है राजनीतिक पार्टियां एक्टिव रहती है इन सब सारी घटनाओं को लेकर के, उनका भी जिक्र है क्योंकि उनका करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जब कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, ये हैं वो हैं, तो बताना ज़रूरी है। अपराध पर राजनीतिक पार्टियों का विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी ने किया है 35, बसपा पार्टी ने किया है 4, और प्रसपा पार्टी जो कि शिवपाल सिंह यादव जी की है 9, अन्य पार्टियों जो उत्तर प्रदेश में है 45, 45, और इसमें समाजवादी पार्टी टोटल 275 आंदोलन करी है। अच्छा, उत्तर तो प्रदेश पार्टियों का लेखा जोखा है जो ये अपराध या जो घटनाएं होती है उनके विरोध में प्रदर्शन करती है। हाँ। इसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पर और समाजवादी पहले नंबर पर है। ये कौन है? ठीक है, और कौन सी पार्टी? आंदोलन के दौरान जो क्षति हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर जो बड़े बड़े नेता होते हैं आजकल, उन पर दौरे को लेकर के बहुत सवाल उठता है कि कौन किसके घर जा रहा है, कौन किसके साथ है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो है कांग्रेस की महासचिव, 4 से 5 बार गई है उत्तर प्रदेश में लोगों के घर। मायावती जी बसपा प्रमुख जो है किसी के घर नहीं गई है, 0 बार गई हैं। शिवपाल सिंह यादव जी जो है 6 बार गए हैं, और अखिलेश यादव जी इस महीने में 45 बार गए हैं। अच्छा, यानी अखिलेश यादव इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और वो आप लोगों को दिखाई भी देता हो कि वो अपनी पॉलिटिक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। उनका तो ये भी कहना कि राजनीति जो रोज़ाना का काम हो गया अब, क्योंकि ये फुल टाइम बिजनेस है, तो होना भी चाहिए, राजनेता का काम है, उन्हें पॉलिटिक्स करने का लायक है अगर वो पॉलिटिक्स में है। लेकिन यहाँ पर बात इतने सारे अपराध की हो रही है उसको लेकर, वो खैर वो आंदोलन नहीं किया उन्होंने, वो एक अलग बात है। तो वो रोड पर नहीं आए, कोई भी पार्टी नहीं आई है, चाहे उत्तर प्रदेश में जितनी भी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, उस तरह अभी तक वो लोग उस तरह खुलकर नहीं आए ना उस तरह का विरोध कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो रही है, इतनी सारी वारदात हो रही है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट में बताइए, सारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हिंद वॉइस।